बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी एक लहंगे का रिव्यू जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है फ्रॉम द फ्लिपकार्ट। तो अभी चल रहा है फेस्टिव सीजन, लगी अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप गिफ्ट कर सकें एंड यू नो बहुत ही अच्छी सी चीज़ हो और जो गिफ्ट करने में भी अच्छी लगे, तो चाहे गिफ्ट करना हो चाहे अपने लिए लेना हो आप किसी भी पर्पज़ से इसे ले सकते हैं। एंड गाइस बिलीव मी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी आपको कि आपको मतलब ये ना लगे कि मैं आपके लिए कुछ झूठ बोल रही हूँ या कुछ ऐसा करी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। सो यस गाइस विदाउट फर्दर नी डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस एज यू नो इस तरीके की पैकिंग में फ्लिपकार्ट के कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें फ्लिपकार्ट का अपना खुद का लोगो होता है। एंड ये मैं ओपन कर चुकी हूँ, ऑब्वियसली देखने के लिए तो मुझे ओपन करना ही होगा। तो ये इसके अंदर भी पैक था एंड ये इस तरीके से पैक होकर आया था। लाइक अभी तो मैंने इसकी जो घड़ी वगैरह है वो हटा दिया है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से पैक होकर आया था, आप देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको इसके सारे ही जो इसके साथ में आए हैं लाइक दुपट्टा ब्लाउज वो सभी मैं आपको शो करूँगी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन पार्ट से, दैट इज ब्लाउज। तो इसका जो सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो इसका ब्लाउज है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड है ये, बहुत ही सुंदर। मतलब आपको देखने से कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये कहीं से भी चीप प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ब्लाउज इसका बहुत ब्यूटीफुल है, आप चाहे तो फ्रंट से देख सकते हैं। इसका वर्क एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस। इसका जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो भी थोड़ा सा शाइनिंग टाइप का है। ये यू नो वो सिल्क, कोई सा सिल्क मटेरियल होता है ना, वो है, सिल्क टाइप का मटेरियल है एंड सॉफ्ट भी है। ऐसा नहीं है कि पहनने में आपको चुभेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी आप लाइनिंग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि लाइनिंग लगाने से किसी भी ड्रेस का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा हो जाता है। एंड ये अच्छा खासा दिया हुआ है, लाइक आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसका लेंथ है एंड ब्रेथ भी है। तो ये जो वर्क है ये सामने की तरफ में आएगा, इसका ये जो वर्क है ये फ्रंट की तरफ में आएगा एंड बैक साइड में ये शायद प्लेन होगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज, इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है एंड इसमें येलो टच है, रेड है, गोल्डन है। तो आप इसे मतलब इस एक ब्लाउज को आप अलग अलग चीज़ों के साथ में पहन सकते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो इसका ये ब्लाउज लगा। होपफुली गाइज आपको भी यही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइज इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसका दुपट्टा। तो इसका दुपट्टा कुछ इस तरीके का है जिसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है। इसका भी यू नो जो नॉर्मल एक दुपट्टा होता है जिस साइज़ का उस साइज़ का ये है एंड इसमें यहाँ पर ये वाली बॉर्डर दी गई है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके की ये बॉर्डर दी गई है और ये पूरे ही दुपट्टे में ओवरऑल दी गई है, आप यू कैन सी ये देखिए। एंड काफ़ी अच्छा दुपट्टा है गाइस, छोटा बिल्कुल नहीं है। आप इसे अपने किसी सूट के साथ में यूज़ कर लीजिए, आप इसे किसी अपने यू नो किसी और लहंगे के साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, ये देखिए। एंड इसका जो ये लेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं इसका वर्क बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसे ख़राब होने वाला है, चुभने उभने वाला नहीं है, सब कुछ बहुत सॉफ्ट है। एंड इसका नेट भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है, तो इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ मूव ऑन टू द मेन प्रोडक्ट जो कि है लहंगा। तो लहंगा कुछ इस तरीके का है गाइज, आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है और अंदर इसमें सैटिन का जो लाइनिंग है वो दिया गया है, ये देखिए। इसका बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कलर है गाइज एंड ये वाला भी सॉफ्ट नेट है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, जरी वाला वर्क इसमें किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका वर्क अलग से सेपरेट करके दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके के जरी वर्क में ये दिया हुआ है। एंड गाइस बिलीव मी आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड इसका कलर मेन, तो इसका कलर है गाइस मेन, इसका कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस, यू कैन सी, ये देखिए।
यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर आप बेल्ट चाहे तो बेल्ट लगा सकते हैं। गाइस इसमें मुझे जो सिर्फ एक प्रॉब्लम लगी वो लगी इसके सैटिन की क्वालिटी, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वर्क बहुत अच्छा है, ब्लाउज बहुत ब्यूटीफुल दिया हुआ है। सिर्फ इसका जो ये सैटिन यूज किया हुआ है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, यानी कि अगर आप इसके अंदर अगर कॉटन का लाइनिंग लगाएंगे तब तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज ये बहुत जल्दी थोड़ा सा रफ होने लग जाएगा एक दो बार के ही पहनने पर। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बुरा है, इतना बुरा नहीं है, बट इसकी ये जो लाइनिंग है ये थोड़ी सी मुझे पूरे मटेरियल के हिसाब से थोड़ी सी वीक पॉइंट लगी इस लहंगे की, अदरवाइज दिस लहंगा इज जस्ट ऑसम। शाइनिंग बहुत अच्छी है, बस कपड़ा थोड़ा सा मुझे इसका डल लगा, भसकने वाला लगा, जो कि थोड़ा सा खींचने विचने पर सिलाई की तरफ से खिंच जाता है ना, वैसा वाला लगा। तो आप इसमें कॉटन की लाइनिंग लगाकर पहनिए, या फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा ये वो घेर वाला जो पेटीकोट वगैरह होता है ना वो पहनिए, बहुत अच्छा इसमें गेटअप आएगा। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अपने कमर के हिसाब से इसको कटवाने हटवाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही सिलवाइए, और जब इसको पहनने के बाद आप पूरा इसे श्रिंक करेंगे ना तो जो घेर आएगा इसमें वही इसका मेन लुक है। एंड यहाँ एंडिंग में यहाँ पर कोई भी लेस वगैरह नहीं दी गई है, बट अगर आप चाहें तो आप इसे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हैं। सो इसका लेंथ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है गाइस, आराम से आ जाएगा, ये मेरे हाइट में अच्छे से आ जा रहा था तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय गाइस, लव यू ऑल।